अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा। आप तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करें। तो कीमा बनाने के लिए ये मैंने एक पाव कीमा लिया है, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और दो मीडियम साइज़ की प्याज काट ले ली है, एक छोटा टमाटर लिया है और ये घर का हमारा पिसा हुआ मसाला है जिसके अंदर धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। ये मैंने एक चमचा ले लिया है। ये मेरे बघार के लिए खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने दालचीनी, काली मिर्च, जीरा जीरा, सफ़ेद जीरा, इलायची और छोटा सा एक तेज़पत्ता ले लिया है। ये मैंने दो चमचा दही ली है और इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। तो ये देखिए, मैंने दो चमचा तेल पतीले में डालकर गरम कर लिया है। अब हम सबसे पहले, हमारा तेल गरम हो गया तो इसके अंदर हम खड़े मसाले डाल देंगे। मसाले हमारे चटक चुके हैं, इसमें हम प्याज डाल देंगे कटी हुई। इसी से कीमा बनाइए, सबको ये कीमा बहुत पसंद आएगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा इस रेसिपी से बनाओगे अगर आप। तो हम प्याज को ब्राउन होने तक पकाते हैं। तो ये देखिए, प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू को भी हम प्याज के साथ ये तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे, कीमा डाल देंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसका पानी जो है पूरी तरीके से सूख चुका है, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। मैं यहाँ एक चमचा नमक डाली हूँ और यहीं पर मैं डालूँगी ये टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये पिसा हुआ मसाला सूखा मसाला डाल देंगे। वापस से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डेढ़ मिनट इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। अभी हमारा कीमा पका भी नहीं है, ये खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बिल्कुल होटलों वाला कीमा बनकर तैयार होता है। ये तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम एक बार कीमे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू गल गया है, लेकिन अभी हम थोड़े देर इसको और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो हम इसे दो तीन मिनट और ढककर इसी तरह स्लो पकाएंगे। तो ये देखिए, आलू भी गल गया है, कीमा भी गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। देखिए, हमारा कीमा जो बनकर तैयार हो गया है। इस रेसिपी से आप इसे ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।